आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में अगर हमें समझना है, उसको पढ़ना है, तो हमें सबसे पहले मालूम करना पड़ेगा कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो चार्जेस के फ्लो को गवर्न करती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जो है वो पूरा फ्लो ऑफ चार्जेस है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जब तक हमें समझ में नहीं आएगी, तब तक हम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के किसी भी स्टेप पर चार्जेस के फ्लो वगैरह जहाँ हो रहे हैं उनके फ्लो को हम नहीं समझ सकते, उनके बिहेवियर को स्टडी नहीं कर सकते। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है क्या? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को अगर हमें समझना है तो हमें चलना पड़ेगा करंट की डेफिनेशन में। करंट की डेफिनेशन अगर आपको याद हो, करंट की डेफिनेशन निकल कर आती है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस से, कि चार्जेस जो हैं उनको ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता उनके फ्लो के स्टडी से हम करंट को डिफाइन करते हैं। सपोज अगर जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि एक वॉल्यूम है V और इसमें कोई चार्ज एनक्लोज्ड है, तो अगर हमें करंट को डिफाइन करना है तो यहाँ पर हम करंट को डिफाइन करते हैं सर, जब चार्ज क्रिएट नहीं, चार्ज आया था वहां से। चार्ज, इसके वॉल्यूम वी के अंदर हमने एनक्लोज्ड मान ली चार्ज जो है रो चार्ज या क्यू चार्ज जो है वो इसके अंदर एनक्लोज्ड है, ठीक है, बंद किया हुआ है इस वॉल्यूम। तो इस वॉल्यूम, इस जो चार्ज से करंट अगर हमें डिफाइन करना, करंट की डेफिनेशन के ऊपर बात चल रही है, तो इस सर जो आपने पढ़ा हुआ है कि इस वॉल्यूम के अंदर से जितना चार्ज पर यूनिट टाइम जो है वो डिक्रीज होगा उसको हम करंट बोलते हैं, मीन्स -dQ/dt। पर यूनिट टाइम इसमें से कितना जो है इस वॉल्यूम में से चार्ज का डिक्रीमेंट हो रहा है। तो अगर टोटल चार्ज क्यू है इसके अंदर और अगर इस सरफेस की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो रो है, तो आप टोटल चार्ज को क्यू को इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, क्यू इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रल रो dV। तो इस तरह से हम टोटल चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं, यानी करंट को अगर हमें डिफाइन करना है तो करंट को हम -dOdt वॉल्यूम इंटीग्रल रो dV से डिफाइन कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि टोटल करंट फ्लोइंग आउट ऑफ सम वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज विद इन द वॉल्यूम। उस वॉल्यूम में से कितना चार्ज जो है वो डिक्रीज हो रहा है, इससे हम कितना करंट फ्लो हो रहा है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है। आप चाहें तो इस बात को लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिए डेफिनेशन इसकी, हेडिंग डाल लीजिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और इसमें एक लाइन लिख लीजिए, ये इट स्टेट्स दैट टोटल करंट फ्लोइंग, इट स्टेट्स दैट टोटल करंट फ्लोइंग आउट ऑफ सम वॉल्यूम आउट ऑफ सम वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल मस्ट बी इक्वल टू द रेट ऑफ टू द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज
डिक्रीज ऑफ चार्ज विद इन द वॉल्यूम, विद इन द वॉल्यूम दैट इज। तो आप इस तरह से अब इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं I इक्वल्स टू माइनस डी क्यू ओवर डी टी, और फिर ये तीनों स्टेप आप यहां तक लिख सकते हैं। तो से इट इज इक्वेशन नंबर वन, ये हमारी इक्वेशन नंबर वन है। I इक्वल्स टू माइनस डी ओवर डी टी वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी। तो चलिए अब जरा करंट पे फोकस करते हैं। तो करंट को अगर हम देखें तो आपने एक टर्म पढ़ा होगा करंट डेंसिटी जे, और जे इक्वल टू आप लोगों ने पढ़ा होगा आई ओवर ए। पर यूनिट एरिया से जितना करंट फ्लो करता है उसे हम करंट डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है आई ओवर ए से इसे डिफाइन किया। ए ए है एरिया, ठीक है। जैसे ये सरफेस है, इस सरफेस का एरिया, तो सपोज अगर हम इस सरफेस में एक ये छोटा सा इन्फाइनाइटेसिमल पोर्शन इस सरफेस का ले लें डीएस, तो इस इन्फाइनाइटेसिमल पोर्शन सरफेस का अगर हम सरफेस इंटीग्रल ले लें तो ये हमें इस सरफेस का एरिया बताएगा। तो हम यहां एरिया को रिप्लेस कर सकते हैं सरफेस इंटीग्रल डीएस से। सरफेस इंटीग्रल डीएस, तो यहां से हम करंट को इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी इस तरह से लिख सकते हैं कि आई इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल जे डी एस। साथ के साथ लिखते चलना। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर टू, आई इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल जे डी एस। तो करंट को इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी इस तरह से लिखा जा सकता है, यानी ये करंट की इंटीग्रल फॉर्म है और ये चार्ज की इंटीग्रल फॉर्म है। Q इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी, ये चार्ज की इंटीग्रल फॉर्म। तो इक्वेशन नंबर वन और टू को अगर हम कंपेयर करें, या इक्वेशन नंबर टू से आई की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर वन में रख दें, तो देखिए क्या मिलता है। From equation 1 and 2, we have from equation 1 and 2, we have तो करंट की जगह हमने रख दिया सरफेस इंटीग्रल जेडीएस, इक्वल्स टू क्या था वहां, माइनस डी ओवर डी टी, डी ओवर डी टी वॉल्यूम इंटीग्रल रो डीवी। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और सरफेस इंटीग्रल जे डी एस इक्वल्स टू माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल डी रो ओवर डी टी इंटू डीवी
तो ये जो करंट की डेफिनेशन थी कि I इक्वल्स टू माइनस डी क्यू ओवर डी टी, उसका ये इंटीग्रल फॉर्म है, यानी ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का इंटीग्रल फॉर्म। ये जो इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और ये इसका जो है इंटीग्रल फॉर्म है। तो अब हम इसका डिफरेंशियल फॉर्म अगर निकालना चाह रहे हैं तो देखिए, यहाँ हमारे पास सरफेस इंटीग्रल है, यहाँ वॉल्यूम इंटीग्रल है। तो सबसे पहला काम हमें ये करना पड़ेगा कि हमें पहले दोनों तरफ के वेरिएबल जो हैं वो सेम करने पड़ेंगे, यानी सरफेस इंटीग्रल को हमें वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सरफेस इंटीग्रल को अगर हमें वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास कौन सी थ्योरम है? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से हम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए, यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहती है कि सरफेस इंटीग्रल में अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो हम उसे वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय टेकिंग डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर, यानी वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ जे वेक्टर डीवी। इस तरह से हम इसको जो है वो वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। से इट इज इक्वेशन नंबर 4। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 है। यहां से हम सरफेस इंटीग्रल जे डी एस की वैल्यू उठाकर रख दें इक्वेशन नंबर 3 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी हैव फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 we have ये वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस जे डी वी हो गया। तो इसको हम ले लिया वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस जे डी वी इक्वल्स टू माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल डी रो ओवर डी टी डी वी, और अब दोनों तरफ के वेरिएबल सेम हो गए। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस जे प्लस डेल रो ओवर डेल टी डी वी इक्वल्स टू जीरो। इस तरह भी लिख सकते हैं इसे, दोनों तरफ के वेरिएबल अब सेम हो गए। और अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन तभी ट्रू हो सकती है जब डाइवर्जेंस जे की जो वैल्यू है ये जीरो हो। तो पहले तो हमने इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख लिया और फिर हमने इसे इक्वेट कर दिया जीरो के, तभी ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो सकती है, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं होगी। इक्वल्स टू जीरो, और ये भी इक्वेशन कब जीरो होगी? जब डाइवर्जेंस जे की वैल्यू जो है ये माइनस डी रो ओवर डी टी हो, तभी ये इक्वेशन जो है जीरो हो सकती है।
इन इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की डिफरेंशियल फॉर्म, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 5। तो ये जो इक्वेशन आई, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की डिफरेंशियल फॉर्म है। डाइवर्जेंस जे प्लस डेल रो ओवर डी टी इक्वल्स टू जीरो, या डाइवर्जेंस जे इक्वल्स टू माइनस डेल रो ओवर डेल टी। तो ये जो है डिफरेंशियल फॉर्म है, ये हमारे पास इंटीग्रल फॉर्म है, और ये हमारे पास करंट की इक्वेशन की या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की नॉर्मल फॉर्म। इन इक्वेशन से मेन ये चीज मालूम पड़ती है कि अगर कहीं पर चार्ज फ्लो हो रहा है तो वो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता करेगा। अगर कहीं पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो इसका मतलब जो हमारा कंसेप्ट है, जहां पर हम चार्जेस के फ्लो की स्टडी कर रहे हैं, तो हम जिस कंसेप्ट को लेकर चल रहे हैं वो कंसेप्ट गलत है, या जो इक्वेशन हम डेवलप कर रहे हैं वो इक्वेशन गलत है। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हमें अपने कंसेप्ट को चेंज करना पड़ेगा, इक्वेशन अगर कोई है तो उसे मॉडिफाई करनी पड़ेगी। पर ये इक्वेशन ट्रू है, चार्जेस अगर फ्लो कर रहे हैं तो इनको सेटिस्फाई होना ही करना ही पड़ेगा। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज इतना ही रखते हैं, सही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किसने दी थी?